अब इनके मुंह पे चपेट तो सऊदी वालों ने मार दिया। हमारा बुलंदशहर को क्या भूल गया, ये तो बताओ हमें बुलंदशहर को दिया गया, इन्होंने आज तक ये बता दिया। सबको गन्ना ही उगाना है, कुछ और उगा लो। इसको पप्पू बोल रहे हैं, उसके पास इतनी डिग्री है ना कि इनको पप्पू बना के घुमा दो। तो रोना क्यों रो रहे जब तुम एक मस्जिद बना ही नहीं पा रहे? इस खबर को किसने बंद किया, इस पर रोक किसने लगाया? मोदी जी ने लगाया। बहुत गरीबी स्तर पर रह रहा है किसान। राहुल जी तो कांग्रेस की सीटें उठा उठा के ला ला के भाजपा के खाते में डालने का काम करते हैं। राजस्थान के अंदर मोबाइल बांट दिए, सभी बहनों ने महिलाओं ने उसका विरोध किया। और जमींदार लोग बॉर्डर पे आके मुछे पे कहो देखे सरकार को गरियाने का काम करे। राजीव गांधी जी की तरह या जवाहरलाल नेहरू जी की तरह अपने आप खुद नहीं लिया जा रहा, ना सत्ता में आने के दूर दूर तक उनके चांस। लंके की चोट पे रूस से हमने तेल ले लिया, बाइडन जैसा मना करता रह गया। तीन चाहिए हमें, एक ले ली दो और दे दो, वो हमारा अस्तित्व हमारे भगवान का घर है। अगर खाली मोदी सरकार मंदिर मंदिर बनाती तो मैं कभी वोट नहीं देता, नहीं हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंकना होगा। किसने जन्म दिया आपको, आपका बाप भाग गया। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2024 की राजनीति गरमाई हुई है और ऐसे में विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं या जो हमारे सम्मानित राजनेता जो रह चुके हैं उन्हें अब भाजपा सरकार जो है वो सम्मानित कर रही है भारत रत्न से, लेकिन इस पर भी विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि भाजपा भारत रत्न वोट के लिए बांट रही है। कैसे देख? मैं तो नहीं देता, जिसको देना चाहिए वो देने योग्य है तभी दिया जा रहा है। राहुल राजीव गांधी जी की तरह या जवाहरलाल नेहरू जी की तरह अपने आप खुद नहीं लिया जा रहा, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। और जो जिन किसान का मसीहा कहा जाता है उनको तो इसलिए दिया जा रहा है, अभी अडवाणी जी को दिया जा रहा था उसका भी विरोध कर रहे थे ये। तो इनकी क्या है, इनकी ना धारणा बन चुकी है, रोते रहेंगे। और इनसे कोई पूछ रहा है भैया रोते क्यों, तो लोग आकर के बोलते हैं रो नहीं रहा भाई, इसकी शक्ल ही ऐसी है। तो पूरे विपक्ष का हालत जो है ना इस समय बहुत खराब हो चुका है, क्योंकि ना उनको वोट मिल रहा है, ना सत्ता में आने के दूर दूर तक उनके चांस है। क्योंकि मोदी जी का नारा तो खड़गे जी ने भी बोल दिया है, अब की बार 400 पार, तो हम जनता तो वैसे ही बोल रही थी। किसानों के मसीहों को भारत रत्न दिया जा रहा है, लेकिन किसान लगातार सड़कों पर है। बॉर्डर भी अभी देखा होगा, हाल ही में बॉर्डरों पे किसान जो है वो जमे हुए थे, पूरा जाम कर दिया। ये भी अभी सब हट जाएंगे, जब इलेक्शन आते हैं ना तो विपक्षी पास कोई मुद्दे नहीं है। या तो विपक्ष ये कहती कि भैया हमने हिमाचल को ना वर्ल्ड सिटी बना दिया, लंदन पेरिस बना दिया। लोग कहते हैं हाँ इसने हिमाचल में ऐसा काम किया, ये पूरे भारत में कर सकता है, इसको लाओ। नहीं किया, उल्टा महंगाई कर दी, डीजल वैट बढ़ा दिया डीजल के ऊपर। उसके बाद हम कहते हैं तेलंगाना में आए, शायद तेलंगाना में बड़ी अच्छा कर देंगे ये काम। तो इनकी जितनी शासित राज्य में सरकारें हैं ना उधर इन्होंने 0% काम नहीं किया, और ये अपेक्षा क्या कर रहे हैं, अब इलेक्शन 24 का करीब है, मोदी को गिराना है तो गिराओ। जैसे इन्होंने राजस्थान के अंदर मोबाइल बांट दिए, सभी बहनों ने महिलाओं ने उसका विरोध किया। जितने किसान आए थे वो सब विपक्ष बिल्कुल विपक्ष की साजिश होती है मैडम। क्या होता है, किसान जो है ना, किसान अगर आप देखोगे तो बहुत रेयर किसान है हमारे भारत में जो उच्च तबके का है, बहुत गरीबी स्तर पर रह रहा है किसान, क्योंकि वो उसका जीवन ही मेहनत में चला जाता है सारी जिंदगी। और ये जो साहूकार लोग होते हैं ना ये दबा करके बैठते हैं। जैसे हमारा एक मित्र है वो रहता था यहाँ पे पंजाब में, जब पंजाब में किसान आए थे असंध के अंदर, तो हमारे को उसने बताया कि भैया क्या होता है, ये साहूकारों को पैसा दिया गया कि भैया आज तूने 15 बंदे भेजने, वो 15 वापसी आएंगे, फिर तूने 15 भेजने। और ये सच्चाई वाली बात बता रहा हूँ आपको, चैनल पे झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे से पूछा भी जाएगा तो मैं वहां भी बता सकता हूँ। तो इस तरीके की राजनीति। और भैया वो गए क्यों, अपने परिवार छोड़ गए? क्योंकि बेचारे किसी ने किसी से कर्जा ले रखा था, और शक्ल देख के उनको पैसा भी मिल रहा था दिहाड़ी का, तो वो कहते हैं चलो भैया निकल पड़ो। इसीलिए गारंटी नहीं दी जा रही। सवाल जो तमाम मांगे किसानों की है वो इसीलिए। देखो मेरे को अभी तक प्रियंका गांधी जी का एक वो डायलॉग याद है, एक उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोले जब किसान उनके पास आ गए कि मैडम गन्ने का वो नहीं बढ़ रहा, तो उन्होंने किसानों को झाड़ के बोला सबको गन्ना ही उगाना है, कुछ और उगा लो। तो ये मानसिकता उनकी कब थी, जब वो सत्ता में थे। लेकिन आज मोदी कार्यकाल के अंदर अगर देश विकास की प्रगति पे चल रहा है, आज हम विदेशों के अंदर अनाज पहुंचा रहे हैं, आज अगर हम विदेशों में गेहूं रोक दे तो वो बौखला जाते हैं कि भाई मोदी ने ये रोड छोड़ दिया, डंके की चोट पे रूस से हमने तेल ले लिया, बाइडन जैसा मना करता रह गया था। अगर ये कांग्रेस सरकार होती ना, इनका तो कहना ये था कि अगर हम राम मंदिर का मुद्दा छेड़ेंगे तो जितने सऊदी के देश है ये नाराज हो जाएंगे, और हम इनको नाराज नहीं कर सकते। अब इनके मुंह पे चपेट तो सऊदी वालों ने मार दी, सऊदी में मंदिर बन रहा है, अबू दुबई के अंदर क्या कहते हैं वो बन रहा है राम मंदिर, उसका शिलान्यास हो चुका है, उद्घाटन करने मोदी जी 14 तारीख को जा रहे हैं, तो इनके मुंह पे चपेट तो उन्होंने ही मार दी। और क्या ये उनसे ज्यादा कट्टरवाद मुस्लिम यहाँ पर है, उनसे ज्यादा तगड़े सोच विचार के लोग हैं? मुस्लिम कंट्रियां मंदिरों का निर्माण कर रही है और ये भारत में ही मंदिरों का निर्माण रोक रहे हैं। आप बताओ ये कौन से मुस्लिम कर रहे हैं? आप देखो दुबई के अंदर राम मंदिर नहीं बन रहा,
बन रहा है ना। और हिंदुस्तान के मुस्लिम क्या कह रहे हैं, बाबरी मस्जिद तोड़ दिया। अरे मैं कहता हूँ मेरे भगवान का घर है, श्री राम का घर हो, कृष्ण का हो, माता रानी का हो, मेरे को खुशी होगी। लेकिन कोई कथावाचक का थोड़ी ना, मैं ऐसे दुबई के लोग मंदिर को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे यहाँ के मस्जिद को सपोर्ट कर रहे हैं। मस्जिद को तो हमने एक बात बताओ मैडम, हमने हिंदुस्तान के अंदर जब देश का बंटवारा हुआ मैंने सुना 600 मस्जिद थी, आज 11 लाख मस्जिद हो गई। तो 11 लाख का तो कोई विरोध नहीं कर रहा, वो तो कह रहे हैं तीन चाहिए हमें, एक ले ली दो और दे दो, वो हमारा अस्तित्व, हमारे भगवान का घर है। हमारे मन में एक भावना उठती है कि हम अपना तो घर बड़ा आलीशान बना देते हैं, अपना तो घर है, बच्चे तक का कमरा है A1 बनाते हैं, लेकिन हमारे ही प्रभु जब वहां पड़े होते तो कोई बंदा आके मैं से पूछता, सारे तूने अपना घर तो बना लिया, तुम्हारे भगवान तो वहां पड़ते, वहां पर पीड़ा होती है। सभी दावे ये वही क्यों हो रहे हैं जहां मस्जिद है, लोग सभी मंदिरों बताओ मस्जिद किसने कहा था कि मंदिरों के साथ सटा सटा के बनाओ। ज्ञान वापी हमारा ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है, काशी विश्वनाथ, उसके साथ सटा करके मंदिर बना दी। क्यों बनाई, उनकी मानसिक धारा देखो ना। तब तो इतनी जमीनें खाली थी, तब तो वक्फ बोर्ड भी नहीं था जो कब्जे कर रहा है, तब इतनी जमीन कहीं भी बना लेते मंदिर के साथ सटा के। क्यों, क्योंकि इनको पता था हमारा जो पुराना कल्चर था ना वो ज्यादा भगवान के प्रति था। आज की युवा पीढ़ी इतना नहीं जाती मंदिर, लेकिन पुराना जो हमारा कल्चर था वो मंदिर आस्था से जुड़ा हुआ था। और इनको पता था हिंदुओं की अगर आप आस्था को खत्म कर दोगे तो आधे हिंदुओं पे आप वैसे ही विजय पालोगे, इसलिए इन्होंने मंदिर तोड़ तोड़ करके ये किया। क्या जरूरत थी, आप बताओ, पाकिस्तान में बैठे एंकर, पाकिस्तान में बैठे न्यूज चैनल भी कह रहे हैं हाँ मुगलों ने गलत किया, लेकिन यहाँ के मुस्लिम नहीं समझ रहे। सऊदी में बैठे लोग कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन यहाँ के मुस्लिम समझ रहे, यहाँ के मुस्लिम हो गया। अच्छा आप एक बात बताओ, मेरी आस्था का प्रतीक था राम मंदिर, कमेटी ने 900 करोड़ रुपए का अपना विचार रखा था, 3700 करोड़ रुपए सनातनियों ने वहां पे दान किया, किसी सरकार का नहीं गया। पहली बात, मस्जिद के लिए जगह दी सरकार ने, आज उधर 1.5 करोड़ रुपया चाहिए खाली कागजात बनाने के लिए, अभी तक वहां पर एक ईंट नहीं ये रख पाए। तो रोना क्यों रो रहे हो, जब तुम एक मस्जिद बना ही नहीं पा रहे तो रोना क्यों रो रहे हो, या तो तुम्हारे पास उतना पैसा है तब तो लड़ो। तो ये बात आ जाती है ईगो पे, कि इनको ईगो है कि भाई हिंदुओं ने ये चीज कैसे ले ली, इनसे लड़ो कोई बहाना। और इनके जो नेता बैठे, जैसे ओबीसी रहता हैदराबाद है, महाराष्ट्र में कैसे सीटें ले जाता है, यूपी में कैसे सीटें ले जाता है, तो ये सोच विचार का विषय है कि मैं रहता तो दिल्ली में हूँ लेकिन मैं नौकरी मेरे ही नाम का बंदा महाराष्ट्र में भी कर रहा है, दुबई में भी कर रहा है, यूपी में भी कर रहा है, बनारस सब जगह पे कर रहा है, कैसे कर रहा है भैया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सोच विचार है कि हमारी मानसिक धारा वाले जो लोग हैं, विचारधारा वाले लोग हैं, उनको सत्ता में लाओ। अच्छा ये एक चीज, एक सवाल और आपसे रहेगा कि जब भी बात होती है किसी और मुद्दे पर, मुद्दा राम मंदिर पर क्यों पहुंच जाता है, हिंदू मुस्लिम पर? मैडम मैं तो कह रहा हूँ, हम नहीं कह रहे, ये तो विपक्ष पीछे पड़ा हुआ है कि मोदी ने राम मंदिर बना दिया उस पर वोट ले जाएगा। मैं कहता हूँ मेरे जैसा युवा अगर खाली मोदी सरकार मंदिर मंदिर बनाती तो मैं कभी वोट नहीं देता, वो मेरी आस्था कहता, मेरे भगवान का दर था ना, मेरे को खुशी हुई। लेकिन जो उसने ये 14 लेन के एक्सप्रेसवे दिए, मैं कैसे आंखें बंद कर लूं, ये वंदे भारत ट्रेनें दी आंखें बंद कर लूं, कश्मीर जो मेन मुद्दा था आतंकवाद का, जहां मेरा तिरंगा पैरों में होता था, मेरा शौर्य, मेरी सेना पत्थर खा रही होती थी, आज वो गायब हो गए तो मैं ये कैसे आंखें बंद कर लूं। ये खुद बहन भाई जाकर के वहां बर्फ में खेल रहे हैं, उसको भी देखते हुए आंखें बंद कर लूं। और राहुल गांधी जी बयान देते हैं इन हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंकना होगा, वो सुन करके भी अपने कान बंद कर लूं। खड़गे जी कहते हैं मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो सनातन मजबूत होगा, हिंदुत्व को बढ़ावा मिलेगा, इसको सुन के आंखें बंद कर लूं। एक वो कहता है नेता कि हिंदू डेंगू मलेरिया है, उनको ये साथ लेकर के चलते, ये सब सुन के अगर मैं आंखें बंद करूं तो मैं पागल कहलाऊंगा, वो नहीं। ये सब कुछ जानते हो कि अगर मैं इनको सत्ता मिलाता हूं तो ये हमें ही खा जाएंगे, हमें ही निगल जाएंगे, तो मैं क्यों इनको वोट दूंगा, उसको क्यों नहीं दूंगा जो सनातन की भी बात करता है, देश में विकास की बात भी करता है और विश्व के ऊपर अपने संबंध मजबूत करने की बात करता है। पुतिन जैसे नेता का बयान है कि मोदी कहता है मैं तुम्हारे साथ तब हूँ जब मेरे देश के साथ हो, मेरे देश हित की बात करोगे तब, नहीं तो नहीं हूँ। मोदी ऐसा पावरफुल लीडर मिला है भारत को जिसकी कोई अपेक्षा नहीं कर सकता, तो ये तारीफ की चीज है तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। वोट भारत रत्न बांटे जा रहे हैं ताकि वोट अपने पाले में किए जाए, ऐसा इल्जाम विपक्ष लगा रहा है भाजपा सरकार। देखिए ये सारी चीजें पहले ही बीजेपी के एजेंडे में थी, CCA लाना था, UCCC लाना था, ये सारी चीजें बीजेपी के एजेंडे में थी। राम मंदिर भी आप बोले, राम मंदिर उनके एजेंडे, आज तक किसी और पार्टी ने क्यों नहीं उठाया ये मुद्दा भाई, बीजेपी चलती रही है राम मंदिर का लेके हल अब हुआ है। हाँ तो सारी पार्टियां रही थी लेकिन बनवा, हाँ नहीं नहीं मैडम उठा ही नहीं रही थी, उनको तो वोट बैंक लगता था ना, इसमें राजनीति करनी थी, एक विशेष वर्ग का वोट लेना था, वो लेने के चक्कर में उन्होंने अपना आप बंटाधार कर लिया। अब देखिए क्या हाल होता कांग्रेस का, जो कहाँ देश पे जिसने 60 साल भारत जोड़ रही है, हाँ तो वो भारत जोड़ने का काम कर रही है, वो जोड़ते जोड़ते अपनी पार्टी को खत्म करते जा रहे हैं। भारत तो जुड़े हुआ है उसमें कोई दो राय नहीं है, पर क्या है कि कांग्रेस खत्म होती जा रही है, कांग्रेस को नहीं बचा पा रहे हो,
और जबकि हम भी चाहते हैं कि कांग्रेस बचे, पर कांग्रेस ऐसी नीतियां बना रही है, एक परिवारवाद को ठाने जा रही है कि एक ही ब्रांड को प्रोजेक्ट करे जा रही है, वो ब्रांड का नशा उनको खत्म ही नहीं हो रहा है उसका नशा। तो वही तो कह रहे हैं कांग्रेस बचे, और ये बचाने का काम किसका, राहुल से नहीं। राहुल जी तो कांग्रेस की सीटें उठा उठा के ला ला के भाजपा के खाते में डालने का काम करते हैं। वो यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सीट भी दे दी भाजपा को। अमेठी वाली आप बड़े पत्रकार लोग बड़े भोले होते हैं। भाजपा से राहुल गांधी जी को इतनी मोहब्बत है कि अमेठी भी उठा के उन्होंने भाजपा को दे दी। और क्या चाहिए, फायदा किया ना तो। अरे तभी तो हम उसको स्टार कैंपेनर हमने माना है। हाँ, बिल्कुल स्टार कैंपेनर भाजपा की यात्रा। मोदी जी के बाद अगर हमारा कोई स्टार कैंपेनर है तो राहुल जी है, ये स्पष्ट मान लीजिए आप। हाँ, और अगर राहुल जी रहेंगे तो सारा का सारा सीट उठा। लेकिन मोदी जी ने भी संसद में कहा है और ममता दीदी भी पूजा पाठ कर रही है कि 40 सीट ले आए कम से कम, और कांग्रेस चाहती है और हम भी चाहते हैं कम से कम घीच मार के भी किसी तरह 40 सीट तक पहुंच जाए। हाँ जी, लेकिन इंडिया तो कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन जो बना है वो तो अब जो है वो बदलाव। देखिए काहे का बदलाव, काहे का इंडिया गठबंधन, कहाँ गया जिसने जन्म दिया आपको, आपका बाप भाग गया, जन्म देने वाला पिता ही जब गायब हो जाए तो बच्चों का क्या होगा। अभी इंडिया गठबंधन को किसने जन्म दिया, नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार आज कहाँ है आप ये देखिए। RLD वो पीछे जा रहे थे, RLD आज कहाँ है। आम आदमी पार्टी हाथ खड़े कर दिए, पंजाब में अकेले लड़ेंगे। ममता दीदी वहाँ कह रही ना चोल वो, कांग्रेस ना चोल वो, और जब ना चोल वो तो 40 की 40 सीटें वो अकेले लड़ने जा रही है। तो वहाँ पे हर जगह भाजपा ही भाजपा है, और 400 प्लस इस बार, ये मैं नहीं देश की जनता कह रही है, और देश की जनता की आवाज को मोदी जी ने सदन के पटल पर रखने का काम किया, और सदन के पटल पर उन्होंने कहा अब की बार 400 पार। खड़गे अरे तो खड़गे जी भी यही तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, और जयंत चौधरी भी कह रहे हैं। किस आधार पर बोल रहे हैं। देखिए महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम किया, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, देश के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया, कश्मीर से लेकर चांद तक तिरंगा झंडा लहराने का काम किया, महिलाओं को गैस चूल्हा देने का काम किया, धुएं जो उनकी आंखें खराब होती थी धुएं से काले धुएं को बंद करने का काम किया, किसानों के बैंक खाते खोलने के काम किया, उस बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिशियरी के तहत 6,000 रुपये डालने का काम किया। इन किसानों के खाते खोले थे वो बॉर्डर। ना, किसान और तो कौन से किसान और जमींदार में अंतर होता है बहन जी। किसान वो होता है जो अपने खेत में खेती कर रहा होता है, जमींदार वो होता है जिन्होंने 10 किसान लगवा दिए वो अपना खेती कर रहे हैं, और जमींदार लोग बॉर्डर पे आके मूछे पे तो देखे सरकार को गरियाने का काम कर रहे हैं। किसान तो जब भी खेतों में मेहनत करता है, मजदूरी करता है, तो हम और आप जैसों का पेट भरता है, और देश की अर्थव्यवस्था। 3 कानूनों को लेके जो किसान बॉर्डरों पे बैठा था वो भी जमींदार कौन। अरे फिर वही मैंने आपको पूरा का पूरा रूपांतर करके बताया, किसान और जमींदारी में फर्क होता है। 1 एकड़ 2 एकड़ जोतने वाला किसान किसान होता है, और 50 एकड़ वाला किसान नहीं होता है, 50 एकड़ 40 एकड़ 60 एकड़ वाला किसान नहीं होता है, वो जमींदार होता है, वो जमीन जुतवाने का काम करता है। आप जाकर देखिए, चाहे पंजाब के किसान हो, दिल्ली के किसान हो, बिहार के किसान हो, झारखंड के किसान हो, हर जगह किसान अपने खेत में लगे हुए थे। तभी तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए 2014 से पहले टीवी में कितने लोग खबरें आती थी, आज वहाँ पे 5 किसानों ने फांसी लगा ली, आज वहाँ पे 10 किसानों ने फांसी लगा ली। सुनते हैं क्या, खबर बंद हुई ना, इस खबर को किसने बंद किया, इस पर रोक किसने लगाया, मोदी जी ने लगाया, तभी तो किसान के चहेते हैं मोदी जी। वो तो कह रहे हैं आधी न्यूज़ तो खबरों में आती ही नहीं, मेनस्ट्रीम मीडिया दिखाता ही नहीं। अरे का मतलब ये थोड़ी है कि किसान आत्महत्या नहीं कर रहा, ये कह रहे हैं वो किसान नहीं थे, जो 700 मर गए वो कौन थे। एक मिनट आप देखिए, 700 मर गए आपके पास आंकड़ा कहाँ से आया, ये कहाँ पे मरे आपको पता है, ये जाके पढ़िए। बीजेपी ने तो ये कह दिया कि कोरोना में एक भी मौत नहीं हुई, दिखाइए क्यों नहीं कहा। चैलेंज करता हूँ, दिखाइए। प्रवक्ता ने किया क्या, चैलेंज कर रहे हो। अरे भैया दिखा तो, दिखा चैलेंज का। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, मैं क्या दिखाऊँ। नहीं मरे, किसान पेट्रोलियम में कहाँ मरे,
इनके पास देखिए तथ्य नहीं है और ये कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि 700 किसान मरे, कोई डाटा नहीं है इनके पास, और कह रहे हैं कोरोना में एक लोग नहीं मरे। अरे कभी कहा ही नहीं भाजपा ने, कभी कहा ही नहीं भाजपा ने, तो सांसों के लिए सांस की गाड़ी भिजवाई थी जो तुम्हारे दिल्ली में, जो ऑक्सीजन प्लांट बन रहे थे सारे बंद हो गए। अच्छा, चालू है कुछ अच्छा, बता अच्छा अच्छा तुम दिखाओ, बन रहे तुम दिखाओ, सुन ली 500 ऑक्सीजन प्लांट का उन्होंने 1 किलोमीटर के दूरी पे लेडी हार्डिंग का अस्पताल, सुन ले भाई सुन ले, 1 किलोमीटर की दूरी पे लेडी हार्डिंग का अस्पताल है, लेडी हार्डिंग के अस्पताल में ऑक्सीजन का प्लांट है, सुन लो अभी कह रहे फोकस कीजिए, वो कह रहे नोएडा में जो बंद हो गए। देखिए ये लोग है बन रहे हर जिले में, हर जिले में दिखाओगे अभी अभी पलट, अभी कह रहे थे बंद हो रहे, मैंने 1 किलोमीटर दूर भेजा तो पलट गए, ये जैसे पप्पू पलटी मारता है, जैसे नीतीश पलटी मारता है वैसे ये लोग पलटी मार जाते हैं, ये वही पलटी मार जाते, जिसको पप्पू बोल रहे हैं उसके पास इतनी डिग्री है ना कि इनको पप्पू बना के घुमा दे। लो जी क्या कह रहे हैं, उनके पास इतनी डिग्री है कि वो किसके किसके पास डिग्री है, पप्पू पास, जिसको तुम पप्पू डिग्री है, आलू से सोना बना के दिखा दो हमको, आलू से सोना बना के दिखा दो, टाइल वाले खेत में, टाइल वाले खेत में, टाइल वाले खेत में निकाल के दिखा दो, आप आलू से सोना दिखाओ, मैं दिखा दूंगा, मैं दिखा दूंगा, चैलेंज है, दिखाओ जब तुम दिखाओ, चलो नाले तुम कूदो, तुम कूदो और गैस की टंकी लेके निकलो, नाले में कूद के गैस, अरे मैं इनको दिखाऊं, नाले में कूद के, देखिए गैस दिखा, प्रधानमंत्री जी ने यही बोला था कि नाले, इनको गैस देखनी है तो मैं इनको दिखाऊंगा ना, कूद के कूद, आलू से सोना का नहीं बताया, आलू से सोना कैसे बनेगा ये नहीं बताया, टहलो वाले खेत में फसल कैसे लगेगी ये नहीं बताया, और भैया ये बैग देना, ये बैग, ये बैग और इसको उठाना कैसे है, राहुल गांधी को यही नहीं पता, कम से कम सिखा दो, अरे भैया बात किसकी है, बात चलो राहुल गांधी की सही, तुम नाले से गैस निकालो, मैं आलू से सोना निकालूंगा, नेता जो बयान देते हैं वो खाली बयान होता है, पलटू जी पलट जाते हैं, वो लोटे के जैसे किधर भी ढलक जाएंगे। और जो तरक्की की बात हो रही है ना कि बिहार तरक्की क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ के नेते जो है ना वो पलटू है, पलट जाएंगे किधर भी, एक तरफ तो रहना है नहीं भाई, यहाँ पे ऐसे कोई तरक्की नहीं करता है, अपना यूपी देखो, अपना यूपी की देखो, 2 बार से हमारे बाबा जी लगे हैं, कर रहे हैं और वो दिख रहा है, वो चीज कर रहा है, रोड देखो, बिजली देखो, अब बिहार में बीजेपी के साथ नीतीश आ गए हैं, अब 6 महीने बाद लंदन बन जाएगा बिहार, बीजेपी नहीं, फिर वो चले जाएंगे हमारे, फिर चले जाएंगे हमारे बाबा जी में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई, बीजेपी की तारीफ आप कर रहे हैं तो फिर नीतीश को शामिल क्यों, नीतीश को मैंने शामिल इसे, मैं उसको नहीं मानता हूँ, उन्होंने कर लिया वो अपने फायदे के लिए, वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी ने अपने फायदे, हाँ वो तो भाई देखो वोट तो सबको चाहिए, पावर तो सबको चाहिए, तरक्की तो सबको करना है, बीजेपी का मेन मकसद है भारत रत्न भी वोट के लिए, मेरी बात सुनिए, जिस तरह बीजेपी का मेन मकसद है जिस तरीके से यूपी को तरक्की करना है वैसे बिहार को भी करेंगे, चांस मिले भाई करेंगे भाई, यूपी में पहले यूपी तो लंदन बना दिया, अब लंदन स्विट्जरलैंड सब बना पड़ा, यूपी अपना बिल्कुल विकास कर रहा है, अब बिहार की बारी है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है भाई साहब, हमारा बिल्कुल से बच जाए भाई, उसके बाद यूपी में पलट हो रहा है भाई, हो रहा है, पहले हमारे घर के आगे, पहले हमारे घर के आगे 6-6 फुट गड्ढे, अब 6-6 फुट ऊपर मार्बल, भाई हमारे बिल्कुल ऐसा हो गया मामला भाई, फलक मत देखो, इतना देखो, इतना अपराध फैला रखा, पहले क्या अखबार में आ जाती, आप थाने में चले, सुनो अरे आप कहीं के भी सही, पूर्वांचल का हूँ मैं, ठीक है पूर्वांचल क्षेत्र का हूँ, बलिया जिला के हूँ, मेरी बात सुनिए भाई, बोल लो यार बोल लो, देखो तुमने बोला मेरे यहाँ इतने गड्ढे, हमारे यहाँ तो पूर्वांचल और ग्रीनवे एक्सप्रेस वे बन रही है भाई, बन रहे ग्रीनवे एक्सप्रेस, ये बन रहा है, हमारे यहाँ क्या बनना है, हमारा बुलंदशहर को क्या भूल गए, ये तो बताओ, हमें बुलंदशहर को दिया गया, इन्होंने आज तक ये बता दो, 7 विधानसभा नगर पालिका बीजेपी का, 7 विधानसभा बीजेपी का, तुम्हारा लोकसभा बीजेपी का, मतलब तुम बुलंदशहर ही कंडीशन सब देखने के बाद भी गलती कांग्रेस की हो जाएगी, मायावती की हो जाएगी, समाजवादी की हो जाएगी, लोकदल की हो जाएगी, किसको लगाए, किसको लेके आओ बुलंदशहर में, सब भाजपा का लेकिन
किसको? समाजवादी को डांट हो ना। मुजफ्फरनगर दंगे में कौन था, किसका हाथ था? वही समाजवादी वाले थे ना। अच्छा, मुजफ्फरनगर दंगे में बीजेपी का हाथ था? बीजेपी का हाथ था। सरकार किसकी थी? मुल्ला। सुनो, दंगे तो हर देश का हर सरकार करावे। गोधरा कांड हुआ सबे पता, गुजरात में दंगे सब करवा में है सबका। ये गुंडे, ये सरकार। मुजफ्फरनगर किसने करवाए? मुल्ला मुलायम ने करवाए। वो तो खुद देखना क्या। सम्मानित राजनेताओं को भारत रत्न जो है वो दिए जा रहे हैं, लेकिन उसी कड़ी में जो है विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है भारत रत्न को लेकर। लेकिन जो भारत रत्न दिए जा रहे हैं और विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कि वोट के लिए भारत रत्न बांटे जा रहे हैं, ये कहां तक सही है? जनता से हमने बात की, जनता की क्या राय है ये आप सुन चुके हैं, लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।